बिग बॉस के घर में एक बार फिर से वीकेंड का वार पर सलमान खान ने जमकर बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट की क्लास लगाई। वेलकम टू एंटरटेनमेंट गॉसिप, यहाँ सब फिल्मी है। मेरा नाम है वैभव। तो अभी अपन बात करेंगे बिग बॉस हाउस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि सलमान खान ने टीना और शालीन भनौत की जमकर क्लास लगाई। साथ ही साथ शालीन भनौत काफी ज्यादा सैड हो गए, परेशान हो गए अपनी एक्स वाइफ को याद करके। और उसके बाद नंबर आया, सलमान खान ने टर्न लिया और पहुंचे अर्चना गौतम के पास और जमकर क्लास लगाई अर्चना गौतम की। उन्होंने कहा कि आपने शालीन और सुम्बुल को कुछ अपशब्द कहे, आप ये सारी चीजें ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और अर्चना ने माफी मांगी, उन्होंने कहा कि आगे से सलमान सर ये सारी चीजें नहीं होंगी। और फिर सलमान खान ने उनसे ये भी कहा कि आपने बिग बॉस को भी बोला कि बिग बॉस आपका बहुत हो गया। तो अर्चना ने उस पर भी सलमान खान से माफी मांगी। लेकिन कल सलमान खान ने बहुत क्लास लगाई है अर्चना गौतम की। आई थिंक अब वो इन सारी चीजों को इम्प्रूव करेंगी, ऐसा क्या आपको लग रहा है? नहीं बॉस, अर्चना गौतम को आप देखिए डे बाय डे और वो ज़्यादा एग्रेसिव होती जा रही हैं और वो ज़्यादा अपने आप को फुटेज लेने के लिए सारी चीज़ों में आगे कर रही हैं। और मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को, इनसे मुझे फीलिंग आ रही है राखी सावंत पार्ट टू, सीक्वल टू। आपको क्या लगता है कि शी इज साउंडिंग लाइक राखी सावंत? अगर ऐसा लगता है तो पोस्ट योर कमेंट्स नाउ, बताओ कि क्या ये राखी सावंत पार्ट टू बन सकती हैं। वैसे राखी का लेवल बहुत हाई है, लेकिन हाँ ये भी कुछ कम नहीं है। राखी का लेवल भले ना मैच कर पाए, लेकिन इनका जो खुद का लेवल है ना, वो भी कम अल्टीमेट नहीं है बॉस। ये भी किसी को नहीं छोड़ती बंदी, ठीक है, चाहे कोई भी आ जाए। साजिद खान जो इतना बड़ा डायरेक्टर है, उसको भी नहीं छोड़ती बॉस, तो किसको छोड़ेगी? बस हाँ, सलमान भाई को छोड़ना पड़ता है, एवरीबडी नोज की हुज ही, राइट? सो अभी अपन मिलते नेक्स्ट वीडियो में, और भी बातें करेंगे बिग बॉस के बारे में। साथ ही साथ अगर आपको मूवी रिव्यूज, ट्रेलर रिव्यूज, टीजर रिव्यूज पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर डेफिनेटली क्लिक करें। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।